फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसी हैं आप सब दोस्तों? बहुत ही खूबसूरत दिवाली इस बार हम बनाने वाले हैं, साथ मिलकर जोर शोर से बनाएंगे। और आपको मैं छोटी छोटी बातें हैं बताती रहूंगी, कौन सा किस मुहूर्त में करने से आने वाली दिवाली आपके लिए बहुत ही खूबसूरत हो सकती है। हर साल की तरह इस साल भी कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष में दिवाली मनाई जाएगी और शुरू हो जाती है त्रयोदशी के दिन से लेकर भैया दूज तक, 5 दिनों का त्यौहार। और दोस्तों, धनतेरस का पर्व दिवाली से ठीक 2 दिन पहले आने वाली त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस बार धनतेरस का त्यौहार 5 नवंबर 2018 सोमवार के दिन मनाया जा रहा है। इसके साथ ही ये 5 दिवसीय दीप उत्सव शुरू हो जाएगा। कहा जाता है कि इस दिन यमराज और भगवान धन्वंतरी के साथ ही माता लक्ष्मी और उनके खजांची कुबेर की भी पूजा की जानी चाहिए। कुबेर की क्यों करते हैं हम पूजा? क्योंकि कुबेर ही होते हैं, सेक्रेटरी को पहले मनाना पड़ता है ना जाने के लिए। अगर आपको किसी नेता से मिलना है या किसी बड़े ऑफिसर से मिलना है तो आपको पहले सेक्रेटरी को मनाना पड़ता है, इसीलिए कुबेर को पहले मनाएं, क्योंकि कुबेर ही धन का जोड़ घटाव रखने वाले हैं। वहीं धन्वंतरी ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैद्य माने जाते हैं। माना जाता है कि अगर स्थिर लग्न के दौरान आप धनतेरस की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी माता घर में ठहर जाती है, हमेशा धन धान्य से भंडार भरा रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह की जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी आती है, इस दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर के सागर मंथन के बाद प्रकट हुए थे। और ऐसी मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। इसी के बाद से ही उनके जन्मदिन पर नए बर्तन खरीदने का प्रचलन शुरू हुआ। ये भी माना जाता है कि इस दिन आप जो भी चीजें खरीदते हैं उसमें 13 गुना आपकी वृद्धि होती है। चाहे सोना चांदी खरीदें, बर्तन खरीदें, इलेक्ट्रॉनिक्स करें, घर खरीदें, गाड़ियां खरीदें, जो भी चीजें खरीदें आप, उसमें आपके धन संबंधी मामलों में कई गुना ज्यादा वृद्धि होती है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर कोई इस दिन कुछ ना कुछ अपनी पॉकेट के अनुसार शरीर खरीदता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी भी गए और शॉपिंग कर ली, आपको शुभ और लाभ मुहूर्त का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, तभी ये चीजें फलदायी होती हैं। और खासकर इस बार आपको मैं बता दूं, इस बार तो आप पूरे दिन शुभ है, सुबह 6:40 से लेकर के रात को 11:46 तक आप शॉपिंग कर सकते हैं। धनतेरस पर पूजा करने का समय बहुत बहुत मायने रखता है। यम का दिया जो पूजते हैं वो आपको शाम को 6:05 से लेकर के रात को 8:01 के तक आपको पूज लेना है। इस दिन जहां एक और नई चीजें खरीदते हैं, नई चीजों की पूजा होती है, उससे पहले आपको बुरी ऊर्जा और आलस्य को अपने घर से हटाकर बाहर कर देना चाहिए। सभी वस्तुओं को साफ कर देना चाहिए ताकि आपके घर में जब नई चीजें आए तो पुरानी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से बाहर जा चुकी हो और नई सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करे। आज मैं आपको बताऊंगी कौन सी वो चीजें हैं, खास चीजें, जिनको खरीदने से आपके घर में आपका भाग्य बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखें, शुभ मुहूर्त में खरीदें, और अगर आप पहले भी खरीद के रख के ला के रख सकते हैं, लेकिन इनका पूजन शुभ मुहूर्त में आपको करना चाहिए। यूजुअली लोग क्या करते हैं पूजा के लिए, दिवाली की तैयारियां करते हैं, उसके लिए गणेश जी लक्ष्मी जी पूजा का सामान आदि खरीदते हैं। जो लोग भी हर साल गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते हैं वो खरीदें, इससे संपत्ति का घर में आगमन होता है और पूरे साल कभी भी घर में धन की कमी नहीं रखती है। दोस्तों, धनतेरस पर दिवाली का सामान और पूजन सामग्री भी पहले से ही खरीद के रख लेनी चाहिए ताकि आपको दिवाली वाले दिन भागा दौड़ी ना करनी पड़े और बिल्कुल आप उस दिन फिट फाट होकर के तैयार होकर के पूरे दिन दिवाली के मजे उठा सकें। जो लोग भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई भी प्रकार की संपत्ति में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये दिन उसके लिए बेस्ट होता है। कुछ लोग नई गाड़ियां भी खरीदते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जो भी आप उस दिन वाहन घर लाएंगे पहली बार वो आपको नहीं करना है, क्योंकि राहु काल होता है उस समय आपको नहीं लाना चाहिए घर, और पहले ही आपको पूरे पैसे का भुगतान कर देना चाहिए। आप उस दिन पूजा कीजिए, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है।
जो भी धातु का सामान खरीदते हैं, जैसे सोना, चांदी, पीतल, ये खरीदना बेस्ट माना जाता है। और इस दिन ये सब खरीदने से पूरे साल तक घर में लक्ष्मी माता का वास बना रहता है। सोने और चांदी की वस्तुएं खास रूप से मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ होती है। ज्यादा न अफोर्ड ना कर सके चांदी का एक सिक्का या घर कोई भी गहने खरीदे वो भी सर्वश्रेष्ठ होता है। और पूजा के बर्तन खरीदना भी जबरदस्त लाभदायक माना गया है। स्टील और पीतल अगर महंगी चीजें अफोर्ड ना कर सके तो स्टील और पीतल खरीदे, ये भी बहुत बहुत शुभ होता है। लेकिन ध्यान रखना है, कांच की कटलरी या कांच के सामान आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि शीशे का संबंध राहु से है। इसलिए धनतेरस के दिन शीशे यानी कांच की खरीदारी से आपको बचना चाहिए। किसी भी प्रकार की, चाहे कोई शोपीस आदि भी खरीदना चाहते हैं, वो भी नहीं खरीदना है। अगर खरीदने की ज़रूरत भी है आपको तो ये ध्यान कर ले कि वो ट्रांसपेरेंट ना हो या धुंधला ना हो, उसमें से आर पार कुछ भी लाइट भी दिखाई नहीं देना चाहिए। इसी तरह से एल्यूमिनियम के बर्तन भी धनतेरस पर नहीं खरीदना चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इस धातु पर भी राहु का आधिपत्य माना गया है। पूजा पाठ की दृष्टि से भी एल्यूमिनियम को हम शुभ धातु नहीं मानते हैं। नुकीले चीजें जैसे चाकू आदि, कैंची हुई, छुरी हुई, लोहे के बर्तन कुछ लोग खरीदते हैं, ये भी आपको नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन आपको दिया जरूर लेना चाहिए। और एक ऐसा दिन है जिस दिन यम की पूजा की जाती है, खासकर इस दिन कांची माटी का या पंचगव्य का दिया सर्वश्रेष्ठ होता है। शास्त्रों में बताया गया कि पंचगव्य के दिए से अगर आप पूजन करते हैं तो माना जाता है आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव आते हैं, लक्ष्मी साक्षात आपके घर पे निवास करती है। यम के दिए को पूजने की विधि आपको वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगी, ध्यान से समझ कर आप उसको देख सकते हैं। इस दिन आप कपड़े लत्ते अगर खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीदें, लेकिन ध्यान रखें काले रंग की चीजें, चाहे कपड़े हो या कोई भी और चीज हो, ब्लैक कलर की चीजें इस दिन थोड़ा सा इग्नोर करें, ना खरीदें, इन्हें शुभ नहीं माना जाता है। आपको खरीदना है तो लाल, सफेद, ये कलर के वस्त्र आपको इस दिन जरूर खरीदने चाहिए। जो भी एस्ट्रोलॉजी की चीजें आप अपने घर में सिद्धि करके कुछ रखना चाहते हैं, आप जप के लिए मालाएं लेना चाहते हैं, जैसे कमलगट्टे की माला खास करके बहुत शुभ मानी जाती है दिवाली पर। अगर आप कमलगट्टे की माला या स्फटिक की माला से जप करते हैं माता लक्ष्मी का, या रुद्राक्ष की माला से जप करते हैं, तो माना जाता है साक्षात लक्ष्मी का वास आपके घर पर बना रहता है। वैजंती माला भी बहुत बहुत लाभदायक होती है, खासकर कहीं से आपको यदि सिद्ध किया हुआ स्फटिक यंत्र मिले, या चाहे तो आप खुद से भी स्फटिक यंत्र को, वो मैं दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगी कैसे उसको आप सिद्ध कर सकते हैं, इसको भी आप घर लेकर के आते हैं या पहले से घर में मंगा कर इस दिन स्थापित करते हैं, तो ये जबरदस्त चमत्कारी माना जाता है। इस यंत्र को ध्यान रखें, पूजा करने के बाद उसे केसरिया रंग के कपड़े में बांधकर धन के स्थान में आपको रख देना चाहिए। इससे हमेशा आपके घर में धन का आगमन बना रहता है। और इस दिन अगर ये प्राण प्रतिष्ठित अगर आप कर लें इसको घर में, तो ये जबरदस्त आपको लाभकारी होता है। इसके अलावा भी आप काफ़ी सारी सिद्ध चीज़ें, सियार सिंगी होते हैं, शेर के नाखून होते हैं, दक्षिणावर्ती शंख होते हैं, इस तरह की चीज़ें भी आपको कहीं से मिल जाए तो आपको इस दिन सिद्ध करके रखना चाहिए। खासकर दक्षिणावर्ती शंख के बारे में बता दूं, अगर आप इसको घर पे लेते हैं तो इस शंख से देवी लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है और घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर में भी दक्षिणावर्ती शंख होता है उस घर में पैसा अपने आप अट्रैक्ट होकर के आता है और उस घर की नेगेटिव एनर्जी सदा के लिए घर से दूर चली जाती है। आप इस शंख को चाहे तो पहले से लाके रख सकते हैं या बाद में भी लेके आ सकते हैं, और दिवाली पूजन में इसको आपको ज़रूर रखना चाहिए। और कैसे रखना चाहिए, इसको पूजन करके आपको इसमें पीले रंग के चावल भर के आपको रखने चाहिए। ये इससे माता लक्ष्मी जबरदस्त प्रसन्न होकर के आपके घर पर बरकत करती हैं। इसके अलावा अगर ये भी ना मिले तो आप गोमती चक्र ले सकते हैं। अगर आपको कहीं से बड़ा गोमती चक्र, जो कि बहुत रेयर होता है, मिलता नहीं है जल्दी से, अगर वो मिल जाए तो वो लें, नहीं तो 11 छोटे गोमती चक्र आप अपनी पूजा में स्थापित करें, ये भी आपके लिए देखेंगे तिजोरी में अपने आप धन भरने लगता है। आप चाहें तो धन की समस्या ज़्यादा है तो आप इसको गले में लॉकेट बना करके भी धारण कर सकते हैं।
गोमती चक्र, इन केस आपको नहीं मिलता है तो आप पीली कौड़ियां ले सकते हैं। इनमें भी माता लक्ष्मी का वास बताया गया है। खासकर पीली कौड़ियां चमत्कारी मानी जाती है, बहुत ही रेयर होती है, मुश्किल से मिलती है, और इसलिए अगर आपको कहीं मिल जाए तो धनतेरस के दिन इनकी पूजा करके आपको धन के स्थान पर जरूर रखना चाहिए। आप चाहें तो रुद्राक्ष लें। रुद्राक्ष आपको कौन सा लेना चाहिए, खासकर पंचमुखी और सात मुखी रुद्राक्ष अगर आपको मिल जाए तो इसकी पूजा से माता लक्ष्मी के साथ साथ महादेव की कृपा आपके घर पर बनी रहती है। जो भी रोग हो, दोष हो, दुर्भाग्य हो, काला जादू हो, टोने टोटके हो, ये सभी चीज़ें इस रुद्राक्ष से, या फिर रुद्राक्ष की माला आप पूजन में रख लें अगर आपको सिंगल रुद्राक्ष नहीं मिले, ये भी बहुत बहुत चमत्कारी माना गया है। दोस्तों, धनतेरस पर आप ये जो भी चीजें लाते हैं इन सभी को आप सिद्ध करें, और कोई भी नई चीज लाते हैं तो नई वस्तुओं को आपको धनतेरस के दिन पूजन करके दिवाली के दिन से इस्तेमाल में लानी चाहिए। बाकी तीन चीजें आपको और बता देती हूँ, ध्यान से इनको आपको उस दिन धनतेरस वाले दिन आपको घर पर जरूर लानी चाहिए, या फिर आप दिवाली वाले दिन इन चीजों को लाए, और वो है क्या क्या, नमक, झाड़ू और धनिया। नई झाड़ू इस दिन आपको घर पर लानी चाहिए, इससे नकारात्मक शक्तियां घर से वापस चली जाती है और लक्ष्मी आपके घर आती है। धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदना अच्छा माना जाता है, इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है, और दारिद्रता दूर करने के लिए अधिकतर लोग धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदते हैं। लेकिन ध्यान रखें, पुरानी झाड़ू आपको दिवाली के सुबह पहले आपको घर के बाहर करनी है। धनतेरस के दिन नमक का भी काफ़ी काफ़ी महत्व होता है, नमक को भी धन माना जाता है। इस दिन नमक को पानी में मिला करके अगर आप पोंछा लगाते हैं अपने घर में, खासकर धनतेरस से शुरू करके आपको 5 दिन जो होते हैं दिवाली के भैया दूज तक, रोज़ आपको नमक का पोंछा अपने घर पे लगवाना चाहिए। और इस दिन अगर आप घर में नमक लाते हैं तो इससे घर में धन और सुख शांति आती है। धनतेरस के दिन आप एक मुट्ठी धनिया खरीद करके लेके आए, सूखा धनिया जो शॉप में मिलता है मसाले वाला सूखा, वो लेके आए, इसको धन का प्रतीक माना जाता है, और इसकी पूजा करके घर के आंगन या गमलों में इसे डाल दें। फिर इसके बाद जो धनिया की पत्तियां निकलेगी उसको आप रोज अपने घर में भोजन में, भगवान को भोग में यूज करें। दोस्तों, मैंने ट्राई किया है आपको एक से एक चीज़ें बताने का, जो भी आप अपनी अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपने अपने पॉकेट के जो आपकी अलाउ करे उसके अनुसार आप बाज़ार से खरीद सकते हैं, और इस बार धनतेरस पे इनको ला करके अपने घर में सुख समृद्धि का वास करें। कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें, ताकि आने वाली दिवाली सभी के लिए बहुत ही चमत्कारी और खूबसूरत हो। तांत्रिक रात्रियाँ होती है, इसलिए विशेषकर सिद्ध चीज़ों पर ध्यान दें। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे तो आप इन सिद्ध चीज़ों को अपने घर पे ज़रूर रखें, नहीं तो नमक, धनिया और झाड़ू आपके लिए कमाल करने वाला है। सारी चीज़ें लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक या एक से अधिक चीज़ों को रख करके आप घर में सच्चे दिल से माता लक्ष्मी का जप करें, और खासकर कमलगट्टे की माला से जप करें दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत चमत्कारी होता है, क्योंकि कमल के फूल में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। वन शॉप ऑल सॉल्यूशन मोबाइल हैबिटेट पानी टंकी चौक मिठनपुरा मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन, आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर लाइव। नाव पर देखते रहिए सारी खबरों के लिए मुजफ्फरपुर लाइव, आपके दिल में, आपकी आंखों में।